केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 सितंबर को इसकी पुष्टि की है। मंत्रालय ने बताया है कि विदेश से लौटे एक व्यक्ति को 8 सितंबर को मंकी पॉक्स के संदेह में आइसोलेशन में रखा गया था। सैंपल लेकर जांच कराई गई, जिसमें मंकी पॉक्स के स्ट्रेन वेस्ट अफ्रीकन क्लेड 2 की पुष्टि हुई है, लेकिन ये स्ट्रेन WHO की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में शामिल स्ट्रेन क्लेड 1 नहीं है। 2022 में क्लेड 2 के 30 केस मिले थे। आज ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्णा चंद्रा ने मंकीपॉक्स को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की। चंद्रा ने कहा, मंकीपॉक्स के खतरे को रोकने के लिए सभी राज्यों को हेल्थ एक्शन लेना चाहिए।